डेंस फॉरेस्ट है और एल्टीट्यूड थोड़ा सा हायर साइड है, और हम रिलीज़ करने आए हैं एक एर्बोरियल स्नेक को जो बहुत दिनों बाद हमें दिखा है और अच्छे साइज़ का है ये। और एक अच्छा लोकेशन हमने इसके लिए देखी है, ये वुल्फ पैटर्न पूरा ऊपर जो कैनोपी बनी हुई है ये बढ़िया है और इससे ये इजीली मूव कर पाएगा। तो ये प्रजाति है दोस्तों फॉस्टन कैट स्नेक बॉयगा फॉस्टनी, और इसका ये जो अपीयरेंस है या ये जो मॉफ है ये बहुत ही आप कहें कॉमन है, यहाँ पर आसानी से दिख जाता है। और जो कॉमन कैट स्नेक है उसकी मौजूदगी ज़्यादा नहीं दिखती, और उसमें भी जो टैनिश या ब्राउन या ऑरेंज कलर जो भी आप समझें वो मॉर्फ जो है वो भी आजकल थोड़ा सा कम दिखने लगा है। कारण वही है कि वृक्षों की पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई से इन जीवों के सर्वाइवल पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। शानदार ये सांप है दोस्तों, इसका अर्बोरियल स्नेक इसे कहा जाता है, ये है भी दोस्तों। और देखें कैसे जैसे ही दीपक जी ने इसे निकाला है ये आसपास के इलाके की टोह ले रहा है। अभी आते समय जब हम इसे आ रहे थे रिलीज़ करने तो कुछ लोग दिख गए थे, और सिग्नल के पास हम जब रुके तो लोगों ने पूछा कि इसका रंग तो करैत जैसा दिख रहा है और क्या ये करैत है, तो हमने उनका जो डाउट है वो क्लियर किया कि ये करैत कहीं से नहीं है और अज्ञानतावश ही लोग इसे करैत समझते हैं और मार देते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्रीय बोली में इसे क्या कहा जाता है दीपक जी आपको अभी बताएंगे। दीपक जी इसका स्थानीय नाम जो छत्तीसगढ़ी में प्रचलित है वो तो चिंगराज है, हमारे यहाँ की जो बोलचाल है उसमें इसे क्या कहा जाता है? इस इलाके में हल्बी में इसे आड़गुंचा कहा जाता है, पेड़ों पर चढ़ने वाला। साथ ही लोगों ने इसे ज़्यादातर अंडे खाते हुए देखा है पेड़ों पर चिड़ियों के, तो ये अंडे खाने वाला सांप के नाम से भी यहाँ प्रचलित है। दोस्तों जैसा आपने सुना कि इसको आड़गुंचा कहा जाता है, और लोगों में ये भी भ्रांति है कि इसका जहर जो होता है काफ़ी ज़्यादा डेडली होता है और वो हमारे वेटरनेरिया को सड़ाने लगता है, गलाने लगता है, तो ऐसा नहीं होता है। और बात अगर इसकी वेनम की हम कर ही रहे हैं तो ये क्लियरली आपको बता दें कि ये सेमी वेनमस या माइल्डली वेनमस होते हैं। सेमी जैसा शब्द से बेटर है माइल्ड कहना, और माइल्डली वेनमस ये होते हैं, और इनका जो जहर है इंसानों के लिए घातक नहीं होता, रेयर फैंग भी होते हैं, और इनका जो वेनम है वो इनके शिकार के लिए ही बना हुआ है। और इनके शिकार में जैसा दीपक जी ने बताया कि अंडे भी शामिल हैं, पक्षियों को खाना ये पसंद करते हैं, गार्डन लिजर्ड्स, और जो हमारे यहाँ कमीलियन मिलता है कमीलियन ज़िलानिकस उसे भी ये बड़े चाव से खाता है। कैट स्नेक की हमारे यहाँ 3 स्पीशीज़ हमने पहले दिखाई हैं, और अभी हाल ही में जब हमने हमारा 1000th वीडियो पूरा किया था तो उस वीडियो में हमने आपको येलो बेलिड ग्रीन कैट स्नेक भी दिखाया था। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ 4 प्रजाति के कैट स्नेक पाए जाते हैं, 4 मतलब 3 रहते हैं और एक जो कॉमन कैट स्नेक है उसके 2 मॉर्फ यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। किसी भी जीव को ना मारें, किसी भी वाइल्ड एनिमल के साथ आप खिलवाड़ ना करें, क्योंकि इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षण प्राप्त है, और इन्हें मारना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप कानूनी रूप से गलत साबित होने पर आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो कैट स्नेक या कोई भी सांप अगर आपके आसपास दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कॉल करना चाहिए डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, या फिर आपके इलाके में जो भी रेस्क्यू टीम ऑपरेटिव है आप उसे कॉल करें, सूचित करें, और इन जीवों को बचाने की मुहिम में हमारा साथ दें। सब्सक्राइब करें दोस्तों टीम एजियन प्रकृति और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।